हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय टूलगच विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी सहकुशल होंगे। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से IBPS रिजल्ट के लिए विपिन सर और विकास बंसल एकेडमी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और ये जो रिजल्ट रहा है बड़ा ही शानदार और उम्मीद से बिल्कुल परे रिजल्ट रहा है। इसमें 137 क्लर्क, 25 प्रोबेशनर ऑफिसर, 5 स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो सिलेक्शन हुआ है वो हमारी एकेडमी विकास बंसल एकेडमी बठिंडा के स्टूडेंट्स का हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वैसे मुझे पर्सनली बड़ी ही खुशी होती है, बड़ा ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये चार राज्यों की एक प्रसिद्ध एकेडमी का मैं एक हिस्सा हूं। तो फिर से मैं विपिन सर और एकेडमी के पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम 21 मई यानी कि एंटी टेररिज्म डे पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए, 21 मई को एक डे मनाया जाता है, वो डे है एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, कौन सा डे है? एंटी टेररिज्म डे है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। ठीक है, डेथ कब हुई थी? 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर नाम की एक जगह पर चुनाव प्रचार के दौरान यह डेथ हुई थी। ठीक है, और डेथ किसने की थी? नॉर्थ श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है लेटे नाम से। ठीक है, लेटे नाम से नॉर्थ श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, लिबरेशन, फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इस संगठन के द्वारा भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर की डेथ की गई थी। और डेथ कहां पर की गई थी? तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर नाम की जगह पर एक चुनाव प्रचार करते समय यह डेथ की गई थी। ठीक है, और यह श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनके बर्थ की बात करते हैं। इनका जो बर्थ किया गया बर्थ हुआ था 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और 20 अगस्त को एक डे मनाया जाता है, वो डे मनाया जाता है गुडविल डे, यानी कि सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स राजीव गांधी जी का जो उद्देश्य था वो पूरे देश के अंदर सभी धर्म और जाति के लोगों के बीच जो रहना था वो आपस में प्रेम से रहे, उनका यह उद्देश्य था, और एक दूसरे के प्रति वो अच्छी भावना रखे। ठीक है, यही उनका उद्देश्य था, जिस कारण उनके जन्मदिवस पर गुडविल डे मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, इनका जो टेन्योर था वो था 1984 से 1989 तक। ठीक है, ये भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब बने थे? 1984 में। और बड़ी ही एक ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने उस समय 404 सीटें प्राप्त कर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1984 में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कब बने थे? 1984 में। और इनके टेन्योर के दौरान बहुत से ऐतिहासिक इवेंट्स हुए हैं, बड़ी ही एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी भी हुई है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट,
फर्स्ट है ये जो कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन को भारत में लाने का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? राजीव गांधी जी को जाता है। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड बात करते हैं, सेकंड है कि जो वोटर एज है 21 से रिड्यूस कर 18 वर्ष कर दी गई थी, ये किसने की थी, किसके समय में हुई थी? राजीव गांधी जी के समय में ही की गई थी। 21 से कम कर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। और अब जो भारत के अंदर यूथ है वो कितनी एज के अंदर वोट डाल सकता है, उसे वोट डालने का अधिकार है 18 वर्ष की आयु में, उसे वोट डालने का अधिकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम। थर्ड है पंचायती राज सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया वो इनके टेन्योर के समय ही किया गया, इनके कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम को, उससे पहले कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। और नेक्स्ट है इनके समय में एक ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं, फर्स्ट हुआ था कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन इनके समय में आई थी, इनका जो भारत में लाने का जो क्रेडिट है वो राजीव गांधी जी को जाता है। और सेकंड थी एज 21 से रिड्यूस कर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, ये कब की गई थी, कौन से अमेंडमेंट में की गई थी? भारत के अंदर ये 61st अमेंडमेंट किया गया था, 61st अमेंडमेंट किया गया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था स्टूडेंट्स 1989 में। ठीक है, वोटर एज 21 से कम कर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, वैसे हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट रहती है वो 3 लेवल पर वर्क करती है। फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट आ जाती है, फर्स्ट है पंचायत, फर्स्ट है पंचायत, और सेकंड है स्टूडेंट्स जिसे हम बोल देते हैं म्युनिसिपल, म्युनिसिपल वैसे हम इसे बोलते हैं नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पंचायत पर। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पंचायती जो शब्द आया है ये गांव से आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स गांव की जो जनता है अपने ही लेवल पर 5 ऐसे लोगों को ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देती है कि गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है उसका, उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को अपने ही लेवल पर उसका सलूशन निकाले और उसका समाधान करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पंचायती राज सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया था राजीव गांधी जी के समय में, लेकिन एक्चुअल ये एस्टेब्लिश कब की गई थी इसके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। पहले तो मैं ये बताता हूं, बलवंत राय मेहता कमेटी को स्टेब्लिश किया गया कब किया गया,
ये किया गया स्टूडेंट्स 1956 को स्टेब्लिश किया गया, और बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे कब जमा करवाया गया, 1957 में डिपॉजिट करवाया गया, जमा करवाया गया, ठीक है। और बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। कहां पर स्टैब्लिश किया गया, राजस्थान के नागौर नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है बगदरी, पंचायत राज सिस्टम को भारत के अंदर सबसे पहले यहां स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन आता है आपको कि राजस्थान के बाद पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला दूसरा राज्य भारत का कौन सा था, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था, इसे अपनाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, हमने किया है अभी भोपाल ट्रेजेडी, ठीक है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। ये जो बच्चों ट्रेजेडी हुई थी, ये दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, एक ऐतिहासिक डिजास्टर माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984, बताया जाता है कि दिसंबर के 2-3 तारीख के आसपास हुई थी, ठीक है, 1984 में हुई थी, ठीक है। एक गैस लीक होने के कारण ये ट्रेजेडी हुई, गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस के लीक होने से इस घटना को अंजाम दिया गया था, ठीक है। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H3NO, इसका फॉर्मूला है, इस गैस का फॉर्मूला है, ठीक है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। बताया जाता है कि स्टूडेंट्स इस गैस के लीक होने के ठीक 1 घंटे बाद ही हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक श्रीलंका के बारे में भी जिक्र किया था, तो हम उस श्रीलंका के बारे में भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका का जो स्टूडेंट्स जो ओल्ड नेम है, जो पुराना नाम है वो है सिलोन, जो पुराना नाम है वो सिलोन है, और सिलोन जो नाम है वो कब तक रहा, ये नाम रहा 1972 तक, ठीक है। 1972 के बाद नाम रखा गया लंका, ठीक है, क्या नाम रखा गया, लंका नाम रखा गया। और 1978 में एक रिस्पेक्टेड नाम देकर लंका के आगे क्या लगा दिया, श्री, एक रिस्पेक्टेड नाम देकर इसका नाम रख दिया गया श्री लंका, ठीक है, क्या नाम रख दिया गया, श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहां की जो कैपिटल है, कैपिटल की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव कैपिटल है जो, वो है जयवर्धने पूरे कोटे, ठीक है, जयवर्धने पूरे कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये श्रीलंका की, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जो,
वो कौन सी है? तुम्हारा आंसर आएगा कोलंबो, ठीक है। और यहां की करेंसी पूछ ली जाए स्टूडेंट्स, यहां की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिटल हो चुकी है, करेंसी हो चुकी है, हाँ जी। नेक्स्ट है यहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंद्रा राजापक्षा, वो है महिंद्रा राजा पक्षा, ठीक है। और यहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो है गोटाबाया राजा पक्षा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।